तो जो भी बच्चे 10th और 12th में होते हैं तो पेपर से पहले माँ रेणुका के दर्शन करने आते हैं। मैं अभी आया था जिस टाइम मैं 10th और 12th में था। जो महत्वपूर्ण बात इस मंदिर के बारे में है तो वो माना जाता है, गांव के लोग बताते हैं कि पहले जो नाकुरी गांव था वहां से यहाँ के लिए शॉर्टकट सीढ़ियाँ। तो हेलो दोस्तों, सुप्रभात, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी अनिश पे। तो मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गई है और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आज से की जाएगी। तो हम भी जा रहे हैं आज माँ रेणुका दुर्गा के दर्शन करने गढ़गांव। तो उस मंदिर के बारे में काफ़ी ऐतिहासिक, काफ़ी पौराणिक बातें मैं आज आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अभी हम अपने घर पर निकल चुके हैं, हम अपने घर से मंदिर के लिए। और पहले हम दुकान पर जाएँगे, वहाँ से कुछ पूजा सामग्री, श्रीफल वगैरह लेंगे। तो चलते हैं मंदिर की ओर। तो देवी माँ रेणुका की कृपा हमारे क्षेत्र में हमेशा से बनी रही है और इसके लिए हमारे गांव तथा अन्य गांव के लोग देवी माँ का मेला आयोजित करते हैं अपने गांव में। 3 दिन का मेला होता है हर एक गांव में। जितने भी गांव इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनमें देवी माँ रेणुका का मेला आयोजित किया जाता है। हर 3 साल बाद आयोजन होता है उस मेले का और इस बार हमारे गाँव में होना था लेकिन नहीं हो पाया। तो मेरे पास कुछ पुरानी क्लिप्स हैं, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आयोजन होता है हर एक गांव में देवी माँ के मेले का, भगवती माता के मेले का। तो आप देख सकते हैं। तो मैंने दिखाया पुरानी क्लिप्स में आपको किस प्रकार आयोजन किया जाता है माँ के नृत्य का। सभी लोग झूमते हैं माता की डोली के साथ। ऐसे देवी माँ का मंदिर, माँ भगवती का मंदिर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है वहाँ पे उन पेड़ों के बीच। तो माँ के मंदिर में भी बैसाख के महीने मेले का आयोजन होता है और जिस टाइम हम छोटे थे तो इसी जगह पर आके हम माँ का नृत्य यहाँ से देखा करते थे और उनका इंतज़ार भी करते थे यहाँ पे जो मेले में गए हैं जिस टाइम हम छोटे थे। तो अब निकलते हैं मंदिर की ओर। तो अब सीधे बात करेंगे मंदिर पहुँच के। तो मैं हमारा इंटर कॉलेज भी दिख रहा है। तो जो भी बच्चे 10th और 12th में होते हैं तो पेपर से पहले माँ रेणुका के दर्शन करने आते हैं। मैं अभी आया था जिस टाइम मैं 10th और 12th में था। बताऊंगा किस प्रकार से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया सबसे अलग गांव से। तो बहुत पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम
कुछ बातें मैंने आपको मंदिर के बारे में बता दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और पहाड़ी अनुज का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी पहाड़ी के लिए पहाड़ी अनुज चैनल को शेयर करें। गंदगी की आवाज़ वहाँ तक जाती है जहाँ पर हमारा।